आप लोग मेरा मैच देखना, मैं बहुत एक अच्छा प्लेयर हूँ। मैंने 7 गोल मारे और 7-6 हराए इस टीम को। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाला है नटखट शेट्टी व्लॉग से, क्योंकि आज मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ एक फुटबॉल टूर्नामेंट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शानदार फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। क्योंकि हमारी मेन टीम इंजर्ड थी इसलिए मुझे प्लेयर बाहर से बुलाने पड़े, तो आइए मिलते हैं उनसे। हेलो विलास भाई, कैसे हो? अरे वाह ईशान भाई। अरे आप सर इंजर्ड, आप इंजर्ड प्लेयर इधर है हमारे। तो आइए मुलाकात करते हैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर से। ये है हमारे ऑर्गेनाइजर मिस्टर शुभ। अरे क्या हाल है सर, क्या बात है, एक तरफा माहौल बना दिया। कितना खतरनाक ढंग से खेल रहे हैं आप लोग। कहाँ कब से आ गए? अभी देखा ना मैं इन लोगों का मैच। हम लोग तो भाई ऐसे ही आए खेलने। अरे नहीं कोई नहीं, ऐसा खेलेंगे इन लोग तो हो गया काम। वाह वाह वाह, आइए स्कोर कार्ड दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ कितने अच्छे अच्छे नाम है, वाइकिंग, स्टार डस्ट, नेमेसिस, पर हमारा नाम देखो 7 मामा। और ये जो टूर्नामेंट है इसमें जो हमारी टीम है उसका नाम ही सुन के लोग घबरा जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? 7 मामा। 7 मामा, जिसमें से एक दूसरा मामा। अब आपको बताते हैं 7 मामा वर्ड आया कहाँ से। कॉलेज के दिनों में हमारी एक टीम थी और उस टाइम हम एक दूसरे से मामा मामा करके बात करते थे। तो मेरे फ्रेंड अक्षय ने बोला कि टीम का नाम 7 मामा रखते हैं, और उस 7 मामा टीम ने बहुत से टूर्नामेंट भी जीते। अब ये मामा लोग भाचा लोग के बैंड बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे, ये होगा देखने वाली बात। तो इसके लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और वीडियो को बने रहे, नटखट शेट्टी ब्लॉग्स देखते रहे। ये हमारे गोलकीपर हैं आज के भाई, आप हो तो हम हैं। चाइना चैंपियंस लीग का एंथम बस नहीं बज रहा, बाकी बढ़िया लग रहा है। तो अब जो है मेरा मैच चालू होने वाला है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हाफ टाइम हो चुका है और हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी जो है वो आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी है जो तैयार हो चुके हैं। क्या लग रहा है, आप जिता देंगे ना सर? जब से यूरोप से बाहर आए थोड़ा सा डर लगता है। तो अब तो आपको ऐसे ही लड़के लोग दिखते होंगे वहां सऊदी में, तो कहां ज्यादा टेंशन है आपको? दिल की धड़कन जो है बहुत ज्यादा तेज बढ़ चुकी है, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि क्या होगा, पर ठीक है जो होगा देखा जाएगा। आतिफ भाई आप रेडी हो जाओ, तुरंत हो जाओ ना, जल्दी 5 मिनट बचा है बस। फिर वक्त हो जाता है गंभीर टीम डिस्कशन का। मिड में अभी इन दोनों को रखते हैं। हां ठीक है, तो विलास और किसको? सर वो पूरा मैच खेल सकते हैं 40 मिनट आराम से, प्यार से फुल स्पीड के साथ आते। तो दोस्तों हम लोग हैं 7 मामा भाई। 7 मामा सब एक बार कैमरे में। 7 मामा? अरे 10 मामा यहां गए पूरे। 10 मामा हो गए हैं। और ये जो है ये हमारा अपोनेंट है, इसकी तो जो मतलब मैं क्या बताऊं अब मैं। ये दोस्तों मेरे बचपन का दोस्त है, 7 मामा में खेला हुआ है, 1 मामा आज पिछड़ा हुआ है। ये मैं जा रहा हूं दोस्तों, आप लोग मेरा मैच देखना, मैं बहुत एक अच्छा प्लेयर हूं, है ना? ये आपको भी पता चल जाएगा। क्या लगता है दीपक भाई क्या होगा? हमारे दीपक भाई भी आए हुए हैं। दीपक भाई क्या लगता है मैं कुछ कर पाऊंगा, हमारी टीम कुछ कर पाएगी? आग लगा दोगे आप लोग, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इस ग्राउंड को उन लोग से ज्यादा जानते हो। ये बात बोला ना, ये अपना होम ग्राउंड है, लड़का बारीकियां पकड़ रहा है एकदम हद से। ए ब्रो भाई, डोंट फक विद मी ओके बॉबी। दोस्तों हम लोग एक गोल खा चुके हैं, 7 मामा एक गोल खाया, मतलब बहुत बड़ी बात है, रायपुर में अगले दिन न्यूज़पेपर में आता है। हाँ चल चल ज्यादा फेंक मत। हम लोग ये बात किए कि 3 पास भी नहीं जा रहा है, एक के बाद दूसरे पास तीसरा भी नहीं, बस बॉल ही नहीं आ रही बनाने के लिए। सब डेड है मेरे पास, आ रही तू रोक नहीं, मेरे पास बॉल ही नहीं आ रही है। डिफेंस अपने पैक कर लो और अटैकर जितने शॉट ले सकते हो उतना रखो। तो अब जो है सेकंड हाफ स्टार्ट होने वाला है और टीम जो है थोड़ी चेंज हुई है, तो लेट्स सी अब हमारी टीम 7 मामा क्या करती है। और आते ही हम लोग ने एक और गोल खा गए हैं, तो 4 गोल हो चुका है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर दोस्तों 6-0 हो गया हम लोग का, वो उम्मीद तो है कमबैक कर देंगे हम लोग। अब मुझे ही जाना पड़ेगा लग रहा है। बचपन में बिना सब्सिट्यूट के घुस गए ना, फाइन लगाओ फाइन लगाओ।
है पर वो चार जगह नहीं गया। लड़के लोग बहुत फोकस्ड हैं हारने में। मैं पहली बोला तेरे को, मैं बोला था ऑर्गेनाइजर अपना लेके निकल गया, तू जानबूझ के रखवाया था। नहीं भाई मेरे को पता नहीं था लौंडे इतना अच्छा खेलता है। ये क्या कर रहा हूं, इसको ट्रेनिंग मैं दियो बता। दोगला बन जो है ना, बचपन से यही खेलना सिखाया मेरे को। मैं सिखाया तो देखो गर्व होता है मेरे, सुने आ गया तक पहुंच गए हैं। खुद तो खुद तो गोल मारे, ये मेरे को भी उत्साह है गोल मारने के लिए। उड़ गए और कौन मारा? ये प्लेयर हमारा स्टूडेंट है देखो, बिना शीन पैड देखो, हम लोग शीन पैड वगैरह लगा के आए थे कि अच्छा खेलेंगे। फोटो लेते हैं चलो, फोटो ले लो। पर एक बात है, गुरु को हमेशा खुशी होती है जब उसका शिष्य। तू नहीं मारा ना, प्लेयर मारा ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु। कैसा लगा सात मामा का परफॉर्मेंस? अरे इतना कैमरे बोलने लग ही रहा हूँ पर अच्छा ठीक है पूरा, मतलब देखे ना। हाँ ऐसा एफर्ट कोई डाला होगा? नहीं, इससे अच्छा तो मैं फुटबॉल लाइव बंद करना पड़ गया। क्वालिटी ऑफ फुटबॉल में क्वेश्चन उठ गया था। कोई बात नहीं, हमारी टीम जो सात मामा जो है हमारा टूर्नामेंट सपोर्ट करते हैं रिटायर्ड लोगों को। इनको क्या है सऊदी लीग, ऐसे लोग इनको चाहिए ताकि हाँ। क्या है 3,000 रुपए आए इनके पास। तो ये जो भी देखे समोसा बट रहा है, समोसा दिखाओ एक बार। समोसा कौन दिया? ये सब व्यवस्था के लिए हम लोग अगले बार भी आएंगे भाई। जरूर जरूर सर, लीग में आप आना। ठीक है, रेलीगेट लोग समोसा खाएंगे। तो दोस्तों इस समोसे के साथ और कितना स्कोर था? 7-0 सही में? 6 था। स्कोर क्या था फाइनल का? 7-0 सात मामा था ना, सात मामा थे हम लोग यार। तो इस समोसे के साथ ये शानदार मैच हमारा खत्म होता है, पर अच्छा ये लगा, खेल के मजा आया, खेलना जरूरी है, स्पोर्ट्समैनशिप। कुछ दो शब्द कहेंगे आज आप इसमें समझ में आता है कि खाने दो ना यार, कितने पानी में हम लोग समझ में आ रहा है कि नहीं। कौन कहता है सात मामा कुछ नहीं कर सकता? आज सात मामा जो कुछ भी है वो मेरे कारण है। सात मामा ने 7 गोल मारे बेहतरीन। हम लोग 6-0 से डाउन हो चुके थे, उसके बाद 7 गोल मेरे को सब्स्टिट्यूट किया गया, फिर मैंने 7 गोल मारे और 7-6 से हराया इस टीम को। और इस समोसे पे ज्यादा फोकस किया था, ये हमारा प्रोटीन है। दोस्तों अब खत्म करते हैं ब्लॉग को, हमारे साथ एक क्रिकेट फैन जो है ये भी आए थे देखने। आपका मैं मनोबल बढ़ाने आया था पर आप लोग से वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद लिए मैं यहाँ आया था। कोई बात नहीं बेटा, विराट कोहली मैसी पहले सड़कों में खेला करते थे, फिर उन लोग वहाँ पहुँचे। तो आज हम लोग यहाँ हैं, हम लोग बहुत जल्द आगे भी पहुँच जाएंगे। चलो सिर्फ 6-0 से तो हारे यार, 6-0 कोई बड़ी बात थोड़ी होती है, 8-0 से भी हारा है कोई, हम लोग उससे अच्छा खेल रहे हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर किसी मजेदार।